ये हैं। नमस्कार जी, आप यहाँ बताएं, आज आप यहाँ डीएसपी साहब के पास अभी जा रहे हैं, क्या मामला है और किस लिए आप वहाँ पे जा रहे हैं, थोड़ा बताएं। आप बोलो। मैं सोच ही रही हूँ अपने कमरे से, कमरे बोल दो। अच्छा, का टाइम था, माता जी मेरे पास रहते हैं, पुराना मकान जो है थोड़ी दूर है, सोते बैठते वहीं पे, उतु सोंदे कने मिजो ज्यादा हिंदी नहीं आंदी, पहाड़ी च बोला जी, पहाड़ी दी बोलदी कोई गल। हां जी, उतु सोना चली आए, ताड़े रखड़ी वाला दिन था, इनसे खड़ा नहीं हो जा रहा, तो आप इनको इनको बिठा दो, इनको ले जाने की जरूरत नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, इन्हें यार ऊपर ऊपर चलना दे, ऊपर चलना, ऊपर करा सब कुछ। हां ठीक है, तो बताएं। ये अभी आप देख रहे हैं, एक मामला सामने आया है, अभी हम जो पालमपुर तहसील है वहाँ पे मौजूद हैं, और आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं पालमपुर के जो मिनी सचिवालय है, एसडीएम को ये ज्ञापन दिया जा रहा है। यहाँ पर 95 ईयर की जो लेडीज है, आप देख सकते हैं, ये जो है जो माता जी हैं उसके साथ दुष्कर्म और मारपीट का जो मामला जो है सामने आया है, ज्ञापन देने उनसे जो है दुष्कर्म की जो कोशिश है वो की गई है। लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पालमपुर के मिनी सचिवालय से, आरोप लगाए हैं कि दुष्कर्म करने का जो है प्रयास इनके साथ किया गया है। डीएसपी को जो है मामला जो है वो ज्ञापन जो है दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो है 95 ईयर की जो माता जी है उनके साथ जो है वो दुष्कर्म और मारपीट का जो है आरोप जो है लगाए गए हैं, उनके बात करने भी कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या ये मामला है। बहुत भी बुरी स्थिति में है, जो चलने में भी असमर्थ है, और आप देख सकते हैं 95 साल की जो ये माता है जो चलने में भी असमर्थ है, देख सकते हैं उठाकर जो है वो डीएसपी ऑफिस में ले जाया जा रहा है। ये 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 ज्ञापन देने के लिए आए हैं। चलो इनको बात कर रहे हैं, बाद में कर लेते हैं ना, इनका बाद में लेते हैं, वो थोड़ी देर बाद में लेंगे। ठीक, लाइट बंद कर, नहीं वो जब आए वो आए हो ले लो। हां वो ये चाहिए ना, चाहिए वाले में यहां पे ये महिला को लाया जा रहा है, अपनी फरियाद यहां पे रखेंगे, क्या इनके साथ घटना घटी है, और हम आपको बता दें कि ये पालमपुर के रड पन्याली का एक मामला है, जिसमें 95 साल की जो ये माता जी हैं उनके साथ जो है मारपीट और दुष्कर्म का जो मामला है, जो ये आप दे दो ना, क्या बात है आपकी, आप उधर जाओ, एक फोटो ले लेते हैं, ये पकड़ा है। क्या शिकायत है आपकी? शिकायत है रखड़ी वाला दिन था 22 तारीख का, ये मेरे सासू माँ हैं, मेरे पास ही रहते हैं, मेरा घर थोड़ी दूर, और जो सास ससुर का घर है थोड़ा थोड़ा फासला हमारे घर में,
और ये इन्होंने खाना खाया, और जो लड़का था वो सुबह से वहीं, वैसे उसने डंगरे छड़े थे, डंगरे छड़े में पाड़ी जी बोलती है, डंगरे छड़े थे तिन्नी कहना उतु ही था, मतलब मेरे घर थल सड़क सड़क च थे गुआ फिरा, हमारे पड़ोस का लड़का, वैसे रिश्ते में ना का पोता भी लगता वो, और वैसे बैठा था कहना मतलब तू अंबा अंबा गुमा था, कहना 1:30 बजे खाना खाने चली गया, अपने इन्हें बीड़ी पीने की आदत है, ये अपने कमरे से चली आया बीड़ी लाइए ना, कहना सोई हो थे सोई हो, कहना तो उस थोड़ी देर बाद मेरे दी जो आया आई रखड़ी बनना, सह आई तिना की गड्डी निकली, मैं जी आंगने से निकली तो समुंडू तिथु खड़ोत्या था, सह मेरे हाल आई है, कहना तिन्नी दिखा था सौंदे बहनते सुबह दा तिथु था वे, कहना सह मेरे हाल परौने आई है, तिन्नी दिखा कि ये बिजी हुई है, बिजी हुई है, कहना तिन्नी जाके कमरा खोलिया ना, बीतियाँ थे ना तो कमरा खोलिया, कहना जाए कर सीधे नाड़े हाथ पाए थे, चल उन्हें अपने दो हाथ पैर मारे, मतलब अपने उम्र के हिसाब से बड़ा तो तू हथों पाए कि गए, चलो तेने पुठे करने साटे तो कहना इन्हों का दुपट्टा लिया, कहना मूँह बनी पाया मूँह बनी पाया, फिर तिथू तो चुकी करी लई असें इस इस घरे पचा, मतलब झरी वाइए छलियां, मतलब अजकल जाड़ बसूंटी तो आते तिथू सटी तो नहीं करी, फिर लात मूँह जो असा तेने सब कि अपनी तरफ से मारी करी फेंकी आ, उसके बाद आई मेरी ननाना की गड्डी सब रखड़ी पाना वो दे सह गड्डी जी आई है, तो इसके बाद सह नठी है नठी है, फिर मैं तो अपने थे 3:30 बजे चाह देना जान दी, मैं तो दिखने थे, फिर ये कोई ना थोड़ी देर बाद उस आई है, तो कोई ये 3 बजे के लगभग पौने 3:30 के बीच इं लटोंदे लटांदे आए, मैं सोचा कुछ गिरी है, जेडे मैं चेहरे के निशान वगैरह दिखे, मैं सोचा कुछ गिरी है जाइए, फिर अंगने च इं लटोई आया, फिर मैं पकड़े मतलब कहना कुर्सी पर बिठाई थे बरांडे च, मेरे ननान भी बैठे, मैं तिन्हें पानी दिता पीने वाले, मैं पूछे फिर ना तो गल बात नहीं, वही छाती दबाई मैं पानी पूनी पे, कोई 10 मिनटा बाद इन्हें आखी मतलब खोलियाँ, फिर मैं भीर पुछती रही, भीर नहीं बोले कुछ भी, फिर तिस्ते थोड़ी देर बाद इं किता ना बल्लू 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 बोले, मैं बोले माता थोके बल्लू बल्लू बोला, देखो कुतू पै मिले बोले, मैं पही हो नहीं बोले वे, कहना मिंजू सा बल्लू नहीं ना किता तिन्नी कमरे च बड़ी है, बोले मेरे नाड़े मैं बड़ी बारी कोशिश की, बोले पर तिन्नी नहीं छड़ी, बोले मैं पकड़ी तो छड़िया, बोले फिर तिन्नी दिखा वे गड्डियां गुड्डियां जाने लगियां, कहना चुकी ना लई, फिर अपनी तरफ से मारी की सट्टी है था, पर इन्हें थोड़ी बहुत हो सूंगी, फिर ये चले आए घर घर चले आए, तालू हाँ अड़बड़ा आटा च हाँ इन्हें जल्दी जल्दी, फिर मेरे जवाइए की गड्डी थी घर खड़ोती हाँ हॉस्पिटल लई आए, हॉस्पिटल लई आए हॉस्पिटल जाए करिए हाँ ट्रीटमेंट करवाते करवाना, डॉक्टर पूछे कि भाई क्या हुआ है, मैं बोले डॉक्टर साहब ऐसा ऐसा हुआ मैं इनको मारपीट की, ये केस है, डॉक्टर बोले ठीक है, तेना पहले पुलिस आए फोन किया चौकी आया तो धीरे कन्ने चौकी है, पुलिस आए 2 बंदे आए तो ना इन्हें क्या बोले ना तेलू बयान करने लायक नहीं थे वे, ये इन्हें तो पूछने मिंजो नहीं बोलना देन, इन्हें क्या बोलिया कहना तिना क्या लिखा सा मिंजो नहीं पता, कहना अह बोले कि तुह घरे चली पो कहना हाँ तुह लगना लग गए, अह घरे चले गए, अह सोचे ना आना राति को 36 दिन कोई नहीं आया बंदा वे कोई नहीं आया पुलिस आला, दूए दिन एक्सरे होना था, अहें बोले तू हाँ चला बोले आ ब्याह बोले एक्सरे कराना होगा, कहना भाई अहें फोन कर लें हाँ चली गया, अहें रात फिर अहें ताल 33 दिन अहें फोन आया को 7:30 बजे, बोले अहें इस मुंडू को बोले जमानती पर छड़ना लग गयो, अहाँ बोले तू कि छड़ना लग गयो, तो कल तू गिरफ्तार किया तू अहें क्या प्रूफ दिता, बोले ना ना बोले अहें छड़ना लग गया, हाँ बोले नहीं छटना चाहिए, बोले अच्छा ठीक है बोले यही बोलिया तेना कहना फिर अहने और कुछ नहीं बोलिया, हाँ भी आ गया चलो एक्सरे करवाना गया भी गड्डी की हाँ एक्सरे कराना गया तेने फोन किया एक बंदा आया तिन्नी एक्सरे कराया मैं भी रिपोर्टा रिपार्टा भी लैनिया हाँ भी बोले नहीं ये रिपोर्टा हाँ लैनी बोले मैडिकल डॉक्टर ने मैडिकल किया तो डॉक्टर ने इन्हें आखी टॉर्च मारी बोले इन्हें आखी का लैंस भी निकली है बोले जीव कटोई सब लिखी लिया डॉक्टर बोले इन्हें जीव भी कटोई दंद जेड़े तिन्नी मुक्का मारियां दंद ही लिया बीच सब लिखा था डॉक्टर मेरे सामने मेडिकल के अगे बीच भी क्या वे तो मिंज ने तीन अहें नहीं दिता वे पुलिस आने वाले अहें लैना सब कुछ मैं मतलब पुलिस आने वो तो इस डॉक्टर की गलती नहीं पुलिस आने वाले कि अहें लैना वे जेड़ा एक्सरा थे भी अहें लैना बोले कने ये मेडिकल भी अहें लैना मैं नूह है छोटी सासू माँ ने बताई मेरे को मैंने कुछ देखा नहीं है ये जब रो रहे थे तब इन्होंने आके बताया दूसरे परिवार के साथ आपके संबंध कैसे हैं वैसे अच्छे नहीं है बहुत सालों से बुजुर्गों से सो मारे पास उनको मतलब आंदे नहीं सही है गल बात बार बूर करते पर आंदे जाते नहीं है भाई बुजुर्गों के टाइम में होने जाने और वो लड़े बहन से कुछ नहीं है कुछ आ गया आंदा हो जाता ठीक है ठीक है फिर मैं जल दूंगा दिन आए ना एक्सरे करवाया एक्सरे करवाने के बाद चलो ठीक है बैठो बैठिए हाँ जी सर थोड़ा पीछे पीछे रहो उन्हें बढ़िया हो जी एक
आपकी तबीयत ठीक है? नहीं तो हॉस्पिटल ले जाओ ना अम्मा जी। नहीं जी, यहाँ फिर मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत होगी तो फिर वहाँ मिलेगी ना। नहीं अगर दिक्कत है ना हॉस्पिटल आप भी जाओ साथ। हाँ पर्ची ले जाओ साथ, या आपकी एप्लीकेशन आ गई है उसमें देखते हैं जैसा भी कानूनी कार्रवाई हुई उसमें कोई कमी नहीं होगी। ठीक है ना भाई, इन हॉस्पिटल जो थे ट्रेन की स्थिति जी। सर जो ये आपके पास अभी ये मामला अभी ये मामला आपके सामने ही ध्यान में आया है, जब इसमें मैंने ये चेक किया तो इसमें FIR भी हुई है। अब इस समय बिना छानबीन किए कुछ नहीं कहा जा सकता है, इसमें तफ्तीश चली हुई है। मैं शीघ्र ही इसमें IU से डिस्कस करके जो भी कानूनी कार्रवाई हुई उसको अमल में लाएंगे। अभी आपने लाइव तस्वीरें देखी पालमपुर के जो DSP ऑफिस से हैं। DSP ऑफिस में जो है एक 95 ईयर की जो लेडीज़ है माताजी हैं उनके साथ जो है मारपीट और दुष्कर्म का जो मामला छेड़छाड़ का जो मामला आया है उन्होंने आज ज्ञापन दिया है। ऐसे अन्य तमाम बड़ी खबरों के साथ आपके साथ हाजिर होंगी, तब तक के लिए मैं कविता से विदा चाहूँगी।